एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल्स फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन सो स्टार्ट करते हैं लेट दिस इज माई मेटेलिक्स फीयर एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड तो जो मेरा स्टैंड आ गया ये क्या है मेरा इंसुलेटेड स्टैंड इंसुलेटेड स्टैंड हमने क्यों लिया है जो चार्ज है वो बॉडी से फ्लो ना कर सके कहीं भी चार्ज so, जो स्फेर में है वो चार्ज स्फीयर में ही रहे सो दिस इज माई अन चार्ज मेटेलिक स्फीयर आ गया एंड दिस इज माई इंसुलेटेड स्टैंड इंसुलेटेड स्टैंड लेट हम इस डायग्राम को नेम दे लेते हैं ए अब इस मेटालिक स्फीयर को हमने चार्ज करना है पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट नेक्स्ट अब इसे हमने चार्ज करना है पॉजिटिवली तो मैं इसमें क्या करूँगा एक रॉड ले आऊँगा इस स्फीयर के पास जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी आ रॉड विल ब्रिंग क्लोजर टू आवर मेटालिक स्फीयर विदाउट टचिंग इट इसके हम क्लोज ले आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी सो इसके कारण क्या होगा यहां से ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जैसे हमें मालूम है लाइक चार्जेस, लाइक लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अनलाइक अनलाइक चार्जेस हमें क्या करते हैं अट्रैक्ट सो जैसे एक सेइंग है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इसी तरह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सो so, ये क्या करेगा जो स्फीयर है उसमें से जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अपनी तरफ तो आप कह सकते हैं कि आपकी पोलराइजेशन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की टू वर्ड लेफ्ट फेस एंड लाइक चार्ज इस रिपेली चर जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करके इसके सेकेंड फेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे सो so, यहां पे थोड़ी सी पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगी, सो लेट इट बी फिगर बी अब इन फिगर सी हमारे पास क्या होगा कि जो, स्टिल मेरे पास जो नेक्टिव चार्ज रोड है वो रहेगी एंड जो मेरा मेटेलिक स्फीयर है उसका जो राइट फेस है आप कह सकते हैं राइट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेरे पास अकोमुलेट हो गए थे और पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ अकोमोलेट हो गए थे सो so, जो मेरा नेगेटिव चार्ज फेस है मैं उसको ग्राउंड कर दूंगा मतलब इस चार्ज को मैं अर्थ में फ्लो कर दूंगा जैसे आपने देखा होगा स्ट्राइक करती है किसी बिल्डिंग पे या किसी पेड़ पे या किसी लिविंग पर्सन पे तो दे कैन डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स वो काफ़ी तबाही मचाती है बट अगर बिजली धरती पे गिरती है जैसे हम कहते हैं तो वहाँ पे पता भी नहीं चलता कहाँ गिरी है अर्थ कैन ऑब्जॉर्व एनी अमाउंट ऑफ चार्ज सो ये नेगेटिव चार्ज मेरा फ्लो कर देगा अर्थ में तो उसके कारण क्या होगा जब ये मेरा नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया सो लेट इज फिगर नंबर सी इसको देखते हैं सो नेक्स्ट अब फिगर डी में क्या देखते हैं कि जब मेरा नेगेटिव चार्ज फ्लो हो गया अर्थ में सो so जो पॉजिटिव चार्ज था वो मेरा नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करके ये पॉजिटिव चार्ज से बाउंड था अट्रैक्टिव फोर्सेस से तो ये नहीं जाने दिया इसको पॉजिटिव चार्ज को इस रॉड ने सो so, अकेला नेगेटिव चार्ज ही गया फर्दर अब मैं ग्राउंड को हटा दूंगा सो so, सारा नेगेटिव चार्ज निकालने के बाद तो मेरे पास क्या आएगा स्टिल मेरे पास नेगेटिव चार्ज रॉड यहीं पे रहेगी एंड ये मेरे पॉजिटिव चार्जेस हैं अब सिर्फ यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस ही बच गए इन द मेटालिक स्फीयर अब लास्ट फिगर में हम क्या कह सकते हैं ई डायग्राम में सो अब यहाँ से मैं ग्लास रॉड को रिमूव कर दूँगा सो जब ग्लास रॉड रिमूव हो गई तो जी मेरा ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द स्फीयर सो हैंस आवर स्फीयर गेट्स पॉजिटिव चार्ज विदाउट टचिंग इट अब इन दिस प्रोसेस देखिए जो मेरा स्फीयर चार्ज हुआ है पॉजिटिवली एंड जो मेरे ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्ज था वो भी अनचेंज रहा वहां पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा जो मेरा ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्ज था सो so, इसी तरह से इन सिमिलर स्टेप्स को रिपीट करके हम स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं उसके लिए बस हमें यहाँ पे क्या लाना होगा रॉड विथ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल द प्रोसेस इज फॉलोज द सेम थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो